नमस्कार। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में बोरवेल के गड्ढे में गिरी सृष्टि को बचाने के भरपूर प्रयास किए गए। तकरीबन 3 दिनों से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के जवान सृष्टि की जान बचाने में जुटी थी, लेकिन जब बच्ची बाहर निकली तो अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। बच्ची बहुत छोटी थी, जो पहले 40 फीट गहराई में थी। अब सृष्टि के लिए सीएम शिवराज भावुक हो गए हैं। जहां एनएमएफ न्यूज से बात करते हुए सीएम शिवराज ने कहा, अब बोरवेल खुला छोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल मध्य प्रदेश के सीहोर में 2.5 साल की एक बच्ची 300 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई थी। 3 दिनों तक एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के जवान सृष्टि की जान बचाने में लगे थे, जिसके बाद दिल्ली की रोबोटिक टीम को मदद के लिए बुलाया गया और सृष्टि को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया और घटनास्थल से सीधा उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत बताया गया है। इसको लेकर जब सीएम शिवराज से एनएमएफ न्यूज ने बात की तो उन्होंने कहा, सीहोर जिले में बोरवेल के गड्ढे में गिरी सृष्टि को बचाने के हमने भरपूर प्रयास किए। बच्ची बहुत छोटी थी, जो पहले 40 फीट गहराई में थी। उसके परिवार व रेस्क्यू टीम ने निकालने का प्रयास किया तो वो और नीचे चली गई। हमने तत्काल आर्मी बुलाई, हर संभव प्रयास किया, लेकिन कई बार चीजें हमारे हाथ में नहीं रहती। उनका पूरा बयान सुनिए। बच्ची की मौत हो गई, परसों से ही हम लोग लगातार संपर्क में हैं। बच्ची बहुत छोटी थी और बोरवेल में पहले 40 फीट पे वाटी थी, लेकिन बहुत छोटी थी इसलिए जब खुदाई के प्रयत्न किए और घर वालों ने भी निकालने के प्रयत्न किए तो वो और नीचे चली गई। कल हमने आर्मी भी बुलाई थी, कोशिश भरपूर थी। अब कई बार सब चीजें अपने हाथ में नहीं होती, लेकिन इतना जरूर अब कर रहे हैं कि ऐसे बोरवेल जो छोड़ेगा, एक नहीं, एक अंतराल से कई घटनाएं ऐसी हो गई है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और उसकी विधिवत व्यवस्था की जाएगी। तो सुना आपने किस तरह सीएम शिवराज ने दावा किया है कि अब से बोरवेल खुला छोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बता दें, ये पहला ऐसा मामला नहीं है, ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। आपको ये भी बता दें, मुख्यमंत्री ने वीआईपी बाईपास रोड पर बन रहे भाजपा के नए जिला कार्यालय का भी निर्माण कार्य देखा। इसके बाद शादी में शरीक होने के बाद मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री देर शाम को सड़क मार्ग से ग्वालियर रवाना हो गए। बता दें, रिपोर्ट मुरैना से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने भेजी है। नमस्कार।